हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज का हमारा टॉपिक है एंट में बा हिस्ट्रोलिटिका जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंड में हिस्ट्रोलिटिका का मोर्फोलॉजी और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल एंड लेब डाइग्नोसिस ऑफ एंट में हिस्ट्रोलिटिका लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेलाइकन को ऑन कर ओके लेट स्टार्ट द टॉपिक एंटमोबा हिस्टोलिटिका एंटमोबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजुआ है और ये प्रोटोजुआ में भी ये अमीबा है अमीबा की बहुत सारी स्पेसीज़ होती है लेकिन जो पैथोजेनिक स्पेसीज़ होती है वो होती है एंटमोबा हिस्टोलिटिका। एंटमोबा हिस्टोलिटिका इस डिस्कवर्ड बाय लॉश इन एटीन सेवनटी फाइव तो एंटेमोबा हिस्ट्रोलिटिका किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है लॉस के द्वारा इन एटीन सेवेंटी फ़ाइव में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में रिस्क ग्रुप मेल होमोसेक्सुअल ट्रेवलर्स रिसेंट इमीग्रेंट्स रिस्क ग्रुप क्या होगा मेल होमोसेक्सुअल ट्रेवलर्स रिसेंट इमीग्रेंट्स हैबिटेट मकोशा एंड सब लार्ज इंटेस्टाइन हैबिटेट क्या होगा मुकोशा एंड सब मुकोशा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली इन सीकम एंड कॉलोन में देखने को मिलेगा ठीक है सीकम एंड कॉलोन में होस्ट कौन सा होगा ह्यूमन इज द होस्ट ऑफ हुटोमोबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्टिव स्टेज क्वारियर सिस्ट इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगा क्वारिन्यूक्लियट सिस्ट ही इन्फेक्टिव स्टेज होता है एंटोमोबा हिस्टोलिटिका का मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट फीकल ओरल रूट के थ्रू ये ट्रांसमिशन होता है इसका नेम ऑफ डिजीज इंटेस्टाइनल एमोबाइसिस कौन सी डिजीज काउस करती है हिस्टोलिटी का इंटेस्टाइनल एमोबाइसिस ओके अब हम बात करेंगे मोर्फोलॉजी ऑफ एंटेमोबाहस्टोलिटिका तो मोर्फोलॉजी एंटेमोबाहस्ट्रोलिटिका का डिवाइड होता है थ्री स्टेज में पहला स्टेज है ट्रोफोजाइट सेकेंड इज प्रिसिक स्टेज थर्ड इज सिस्ट एंटमोबा हिस्टोलिटिका का मोर्फोलोजी डिवाइड होता है थ्री स्टेज में जो कि होता है ट्रोफोजॉइट प्रीसिस्टिक स्टेज और सिस्ट तो चलिए हम लोग पहला स्टेज देखते हैं जो कि है ट्रोफोजॉइट ट्रोफोजॉइट आर ट्वेंटी टू थर्टी माइक्रोमीटर इन डायमीटर ट्रोफोजॉइट का जो डायमीटर होता है वो ट्वेंटी टू थर्टी माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ट्रोफोजॉइट इन ट्रोफोजॉइट साइटोप्लाज्म इक्टोप्लाज्मोप्लाज्मा आर प्रेजेंट प्रोफोजाइट के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें इक्टोप्लाज्मा और इंडोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ठीक है आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म आर आउटर स्ट्रक्चर अटैच्ड विथ सुडोपोडिया इक्टोप्लाज्म क्या होता है आउटर स्ट्रक्चर को हम लोग इक्टोप्लाज्म कहते हैं जो कि अटैच्ड होता है सुडोपोडियम से ठीक है इन इंडोप्लाज्म डब्ल्यू बी सी आर बी सी फूड वैक्यूल्स न्यूक्लियस आर प्रेजेंट प्रजेंट में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा हम लोग को डब्लू बी सी देखने को मिलेगा आर बी सी देखने को मिलेगा फूड वैक्यूल्स और न्यूक्लियस देखने को मिलेगा इंडोप्लाज्म को हम लोग इनर लेयर कहते हैं ठीक है ट्रोफोजाइड्स आर मोटाइल बाय सूडोपोडिया ट्रोफोजाइड जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं बाय सूडोपोडिया के थ्रू न्यूक्लियस इज स्पेरिकल डायमीटर फोर टू सिक्स माइक्रोमीटर इन डायमीटर जो न्यूक्लियस होता, होता है उसका डायमीटर होता है फोर टू सिक्स माइक्रोमीटर और न्यूक्लियस का सेप कैसा होता है स्पेरिकल सेप का ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं केरियोसम इज प्रेजेंट इन सेंट्रल पोजिशन केरियोसम जो प्रेजेंट होता है वो सेंट्रल पोजिशन में देखने को मिलेगा आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं केरियोसम को ठीक है ये कहाँ पर प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है सेंट्रल पोजिशन में तो हम लोग क्या क्या जानें प्रोफोजॉइट में हम लोग देखें ट्रोफोजॉइट का जो डायमीटर है वो कितना है ट्वेंटी टू थर्टी माइक्रोमीटर का है और प्रोफोजॉइट के साइटोप्लाज्म हम लोग को इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म देखने को मिलेगा प्रेजेंट होता है इक्टोप्लाज्म को हम लोग आउटर स्ट्रक्चर कहते हैं जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो इक्टोप्लाज्म होता है जो कि अटैच्ड होता है सूडोपोडिया के थ्रू और इंडो में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा हम लोग को डब्ल्यू बी सी आर बी सी फूड व्हीकल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट देखने को मिलेगा ट्रोफोजाइट मोटाइल होता है बाय सूडोपोडिया के हेल्प के थ्रू न्यूक्लियस का सेप कैसा होता है ट्रोफोजाइट में स्पेरिकल सेप होता है और डायमीटर फोर टू सिक्स माइक्रोमीटर होता है केरियोसम प्रेजेंट होता है सेंट्रल पोजिशन में ठीक है अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज की जो है प्रिसिस्टिक स्टेज आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं प्रिसिस्टिक स्टेज का ये डायग्राम है इट इज़ स्मॉलर इन साइज टेन टू ट्वेंटी माइक्रोमीटर इन डायमीटर प्रिसिस्ट प्रिसिस्ट क्या होता है स्मॉलर होता है और साइज में और इसका डायमीटर होता है टेन टू ट्वेंटी माइक्रोमीटर इट इज राउंड और ओवल विथ ब्लंट सुडोपोडिया ये राउंड या तो ओवल के शेप में होगा विथ ब्लंट सुडोपोडिया देखने को मिलेगा इसमें ठीक है इट इज स्मॉलर दे ट्रोफोजॉइट्स एंड लार्जर दैन सिस्ट प्रिसिस्ट जो होता है ये स्मॉलर होता है ट्रोफोजॉइट से और लार्ज होता है सिस्ट से न्यूक्लियस है सिमिलर कैरेक्टर्स एज दैट ऑफ ट्रोफोजॉइट जो न्यूक्लियस होता है उसका सिमलर कैरेक्टर होता है जो ट्रोफोजॉइट में जो कैरेक्टर था वो सेम यहाँ पर हमको प्रिसिस्ट में देखने को मिलेगा यानी कि न्यूक्लियस में हमें न्यूक्लियर मैमरन देखने को मिलेगा क्रोमेटिन ग्रेन्यूल देखने को मिलेगा बट सूडोपोडिया ब्लैंड होगा ठीक है फ्री सिस्ट के बारे में हम लोग क्या जाने है? ये स्मॉलर सेव साइज का होता है टेन टू ट्वेंटी माइक्रोमीटर होता है राउंड ओवर सेप का होता है ब्लंट सुडोपोडिया ये स्मॉलर होता है ट्रोफोजॉइट से बट लार्जर देन सिस्ट न्यूक्लियस का जो कैरेक्टर होता है सेम होता है जो ट्रोफोजॉइट में होता था ठीक है अब हम बात करेंगे सिस्ट की जो कि थर्ड हमारा थर्ड स्ट्रक्चर थर्ड, थर्ड फॉर्म है इट इज़ अ राउंड टेन टू फिफ्टीन माइक्रोमीटर इन डायमीटर सिस्ट जो होता है ये राउंड होता है टेन टू फिफ्टीन माइक्रोमीटर का होता है सराउंडेड बाय सिस्ट वाल सिस्ट जो है एक वाल से सराउंडेड होता है ठीक है यहाँ पे आप हमें देखने को मिल रहा है डायग्राम में हम देख सकते हैं इट हैज़ थ्री स्टेज सिस्ट के भी तीन स्टेज होते हैं यूनि सिस्ट बाइ सिस्ट और क्वाडी सिस्ट ठीक है सिस्ट के बारे में हम लोग ने क्या देखा हम लोग देखे कि सिस्ट राउंड होता है टेन टू फिफ्टीन माइक्रोमीटर होता है सराउंडेड होता है एक वाल से जिसे हम लोग कहते हैं सिस्ट वाल थ्री स्टेज का होता है यून्युक्लियटेड सिस्ट बाय न्यूक्लियर सिस्ट एंड क्वाडी न्यूक्लियर सिस्ट यूनि न्यूक्लियर सिस्ट में क्या होगा क्रो क्रोमोटे क्रोमोटाइड्स बार देखने को मिलेगा ग्लाइकोजन मास देखने को मिलेगा वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यूनि न्यूक्टेड में आप देख सकते हैं यूनि न्यूक्टेड सिस्ट में क्या है क्रोमेटिड बॉडीज है ग्लाइकोजेन है और न्यूक्लियस है ठीक है न्यूक्लियस यहाँ पे वन न्यूक्लियस है क्योंकि यूनी मतलब होता है वन सिंगल तो यहाँ पे वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बाय न्यूक्लियड सिस्ट में टू न्यूक्लियस क्रोमेटिड बार्स ग्लाइकोजन मासिस आर प्रेजेंट बाय न्यूक्लिएटेड सिस्ट में हमें दो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे दो न्यूक्लियस है क्रोमेटिड बार्स भी है ग्लाइकोजन मास भी प्रेजेंट है ठीक है क्वाडी न्यूक्लियर सिस्ट में फोर न्यूक्लियस आर प्रेजेंट क्वाडी न्यूक्लियर सिस्ट में हमें फोर न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिलेगा क्वाड्री मतलब होता है फोर तो यहाँ पे फोर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा यूनि न्यूक्लियर में वन न्यूक्लियस था बाय न्यूक्लियट में टू न्यूक्लियस था और क्वाडी में फोर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और क्वाडी न्यूक्लियर जो होता है ये इन्फेक्टिव फॉर्म होता है यही हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करवाता है ठीक है ओके okay फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको अच्छा लगा हो आज हम बस मोरफोलोजी के बारे में डिस्कस किए थे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ एंटेमोबा हिस्टोलिटिका का तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू